नमस्ते दोस्तों, आज का जो विषय है वो है प्री मैच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र बदन। ये एक ऐसा बीमारी है जिसके इलाज के लिए पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाने से ही हिचक जाते हैं, पर फिर भी मेरे 2-3% पेशेंट्स यही बीमारी लेके मेरे पास आते हैं, विच इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कितनी बड़ी समस्या है। मुझे पता है सबको इलाज जानना है, लेकिन देखिए, मैं सिर्फ पहले इलाज ही बता दूंगा, बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो मुझ में और फेक फिटनेस एक्सपर्ट्स में क्या फर्क रह जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बीमारी है भी या नहीं। अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कि आपको कोई इलाज का जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले पता करते हैं इस बीमारी के बारे में, फिर इलाज के बारे में बताऊंगा। तो प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का मतलब क्या है, कब हम कहेंगे कि पेशेंट को शीघ्र पतन हो रहा है। अब देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत से अलग अलग क्राइटेरियाज है, लेकिन जो क्राइटेरिया हम डॉक्टर सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं वो है DSM-5 क्राइटेरिया। एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है वो आप इंटरनेट में देख सकते हैं, लेकिन मैं मेरे खुद की भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार आप अपने पार्टनर के साथ जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनमें से मोर देन 75% केसेस में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने के 1 मिनट के अंदर या तो फिर आपके चाहने से पहले आपका इजेकुलेशन या वीर्य पतन हो रहा है, और ये समस्या अगर आपको लास्ट 6 महीने से ज्यादा के टाइम से हो रहा है और इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और इसका और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, तब हम इसे प्री मैच्योर इजेकुलेशन कहेंगे। अब हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये परेशानी है तो प्लीज जरा धैर्य से सुनिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब देखिए, ये जो 1 मिनट वाला रूल है ये सबके लिए नहीं है। सोचिए, आपका जो इजेकुलेशन है वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के 2 मिनट के बाद हो रहा है, लेकिन आप उससे खुश नहीं है, आपके पार्टनर उससे खुश नहीं है, और आपका उस चीज पे, मतलब आपको अपने इजेकुलेशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो भी इसे हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन ही कहेंगे। तो उस टाइम में 1 मिनट वाला रूल आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब सोचिए, आपको लास्ट 6 महीने से अधिक समय से सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के 1 मिनट के अंदर ही इजेकुलेशन यानी वीर्य पतन हो रहा है, लेकिन इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस सिचुएशन से एकदम खुश है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो भी हम इस सिचुएशन को प्री मैच्योर इजेकुलेशन नहीं कहें। अब अगर आपका ये जो समस्या है ये आपको और किसी मेंटल बीमारी के वजह से या कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी या दूसरा कोई भी बीमारी के वजह से हो रहा है, या तो फिर आपके साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सिचुएशंस में भी हम उसको प्री मैच्योर इजेकुलेशन नहीं कह सकते। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन यही है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और आके हमें ये कहता है कि हमें शीघ्र पतन हो रहा है, हमें कुछ दवाई दीजिए, तो हम उनको तभी दवाई नहीं देते हैं, हम ये सब सवाल उनसे करते हैं, अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में उनको प्री मैच्योर इजेकुलेशन की समस्या है। अगर हमें लगता है कि हाँ सच में उन्हें ये बीमारी है, तभी हम दवाई देने के बारे में सोचते हैं, पर अगर हमें लगता है कि नहीं, ये किसी और रीजन के वजह से हो रहा है, तब हम उस रीजन को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये समस्या कोई दवाई के बिना ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई फेक डॉक्टर के पास या कोई अनप्रोफेशनल सेक्स एडुकेटर के पास जाएंगे जिनको ये सब बारे में पता नहीं होगा, तो वो आपको झट से दवाई दे देगा जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपका गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसके सीवियरिटी पे आते हैं। इसके 3 सीवियरिटी होते हैं। सबसे पहला, अगर किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर इजेकुलेशन हो रहा है, तब हम उसे माइल्ड कहेंगे। अगर किसी को 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर हो रहा है, तब हम उसे मॉडरेट कहेंगे, और अगर किसी को 15 सेकंड से पहले इजेकुलेशन हो रहा है, तब हम उसे सीवियर कैटेगरी के अंदर डालेंगे। अब ट्रीटमेंट जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं जो कि ट्रीटमेंट करने में हमें मदद करता है। अगर किसी को ये परेशानी शुरुआत से है, मतलब पहली बार इंटरकोर्स करने के टाइम से ये समस्या हो रहा है, तब हम उसे लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। और अगर किसी को पहले ये समस्या नहीं था लेकिन बाद में ये समस्या पैदा हुआ है, तब हम उसे एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेक्स पार्टनर के साथ या किसी पर्टिकुलर मौके पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो रहा है, तब हम उसे सिचुएशनल प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी को हर एक पार्टनर के साथ या हर एक सिचुएशन में हर वक्त
जब भी वो इंटरकोर्स करते हैं तब भी उनको ये समस्या होता है, तब हम उसे जेनरलाइज प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जितना रिसर्च हुआ है उससे तो यही पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिनको लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन रहता है उनमें ऐसा देखा गया है कि पहले से ही उनमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स रहता है जो कि उनके बचपन से जुड़ा हुआ रहता है। बचपन में फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है उनके साथ, तो इस वजह से उनमें ये बीमारी आ सकता है। और जिनमें एक्यूएट प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता है उनमें मोस्ट कॉमन रीजन है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि क्या मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। इस चिंता की वजह से उन्हें प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि एक्यूएट प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन के ट्रीटमेंट से थोड़ा सा आसान होता है। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी फीमेल पार्टनर का जो ऑर्गजम है वो बहुत ज्यादा डिलेड होता है, यानी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के एक घंटे के बाद ऑर्गजम होता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंटरकोर्स से उनको ऑर्गजम होता ही नहीं है, उनको मैनुअल या ओरल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ता है ऑर्गजम होने के लिए, तो उस सिचुएशन में मेल पार्टनर कोई भी हो उनको ऐसा ही लगेगा कि प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो रहा है, क्योंकि जो फीमेल पार्टनर है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में हम कोई भी दवाई देके इसको ट्रीट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में हमें काउंसलिंग ही करना होगा। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट मुझसे आके ये कॉम्प्लेन करते भी हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इजेकुलेशन से बहुत पहले से ही पेनिस के अंदर से एक घने गाढ़े पानी की तरह चीज निकलता है जिसको प्री इजेकुलेट बोलते हैं। किसी किसी को लगता है कि ये ही इजेकुलेशन है और किसी किसी को लगता है कि ये कोई बीमारी है, तो उनको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये एकदम नॉर्मल चीज है, ये सब में होता है, तो उनको सिर्फ प्रॉपर काउंसलिंग करने से ही उनका ये जो समस्या है ये ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, क्या इस बीमारी में कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ता है? नॉर्मली तो नहीं पड़ता है, हम पेशेंट के जो हिस्ट्री होते हैं उसे ही इस बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को इसके साथ और कोई बीमारी है जैसे कोई दिल का बीमारी, कोई किडनी का या कोई लिवर का बीमारी या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हिस्ट्री से ही हमें उसका क्लू मिलता है। उस सिचुएशन में इन बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर पेशेंट को कोई अंदरूनी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट पहले करना जरूरी है, उसको ट्रीट किए बिना हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन को ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर वैसा कुछ हमें पता चलता है तो स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर के पास भेज के पहले उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसके बाद हिस्ट्री से अगर हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की समस्या है, तो हमें सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करना चाहिए कि उनको और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई साइकियाट्रिक बीमारी या कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो सबसे पहले तो हम उस पेशेंट को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं, उन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को, उन मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद अगर जरूरत पड़े तभी हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का एक्सट्रा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ऐसा ही देखा जाता है कि जिनको लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की समस्या होता है उनमें एसोसिएटेड जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के साथ प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का समस्या भी उनमें ठीक हो जाता है। अब सोचिए, किसी पेशेंट को कोई भी अंदरूनी और बीमारी नहीं है, उनको लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजेकुलेशन भी नहीं है, उनको एक्यूएट प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हुआ है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। सबसे पहले तो आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के दौरान मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को एक साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग के एंड में हम जो टेक्निक उनको इस्तेमाल करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं उनमें फीमेल पार्टनर का डिवोटेड कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे ही सबसे अच्छा फायदा मिलता है। अब देखिए, अगर काउंसलिंग के दौरान हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि मेल पार्टनर को कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या कोई मेंटल प्रेशर है, तो सबसे पहले तो उसे दूर करना होगा। अब अच्छी तरीके से पूरा हिस्ट्री लेने के बाद, अच्छी तरीके से इस बीमारी के बारे में उनको समझाने के बाद, एकदम आखिर में हम लोग उनको एक टेक्निक सिखाते हैं जिसको मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक कहते हैं। अब ये टेक्निक क्या है ये बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के पेनिस को अपने हाथों से स्टिमुलेट करना स्टार्ट करती है। कुछ देर स्टिमुलेट करने के बाद जब मेल पार्टनर को लगेगा कि अभी उनका इजेकुलेशन होने ही वाला है और वो उसको रोक नहीं सकते, तब
वो अपने फीमेल पार्टनर को बताएगा। उसके बाद फीमेल पार्टनर स्टिमुलेशन को बंद करके उसके पेनिस को एक पर्टिकुलर जगह पे स्क्वीज करेगी और इजेकुलेशन को बंद करने की कोशिश करेगी ताकि थोड़ा सा भी इजेकुलेशन बाहर ना आने पाए। अब देखिए पेनिस के ऊपर का जो तीन कोना हिस्सा होता है जिसको हेड ऑफ द पेनिस या ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसके बेस में एक राउंड शेप का फूला हुआ पार्ट रहता है, उसके ठीक नीचे एक राउंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, ठीक है। उस पार्ट को फीमेल पार्टनर को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के टाइम में इंडेक्स फिंगर और थंब को ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के स्क्वीज करना है। इतना जोर से स्क्वीज नहीं करना है कि मेल पार्टनर को दर्द हो, और इतना धीरे से भी स्क्वीज नहीं करना है कि इजेकुलेशन बाहर आ जाए। अब कितना प्रेशर में स्क्वीज करना है ये एक बार में पता चलना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाता है कि कितना प्रेशर यूज करके स्क्वीज करना है। इस प्रेशर को एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड मेंटेन करना है। अब जब मेल पार्टनर को लगेगा कि अब उनका इजेकुलेशन नहीं होगा तब उस प्रेशर को रिलीज कर देना है और फिर से पेनिस को स्टिमुलेशन करना स्टार्ट करना है। ऐसे 5 से 10 बार कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर इजेकुलेशन कर देना है। इस चीज को कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद जब मेल पार्टनर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है, उनको अपने इजेकुलेशन के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा और बढ़ता है, तब नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। फीमेल पार्टनर अपने दोनों लेग्स को मेल पार्टनर के दोनों लेग्स के ऊपर से क्रॉस करके बैठ जाते हैं और मेल पार्टनर के पेनिस को अपने हाथों से अपने जेनिटेलिया के बहुत नजदीक या तो फिर अपने जेनिटेलिया के वाल्वा में घिस के या फ्रिक्शन दे के स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेशन कुछ देर कंटिन्यू करने के बाद जब मेल पार्टनर को लगता है कि उनका इजेकुलेशन होने ही वाला है तब वो फीमेल पार्टनर को बताएगा और फीमेल पार्टनर तभी उसके पेनिस को स्क्वीज करके इजेकुलेशन को पहले तरीके से रोक देगा। और जब 5 या 10 सेकंड के अंदर उनको लगेगा कि इजेकुलेशन अब नहीं होगा तब उसको छोड़ देना है और ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। 5 से 10 बार ये प्रोसीजर रिपीट करने के बाद इजेकुलेशन कर देना है। अब कुछ दिनों तक इस स्टेप को प्रैक्टिस करने के बाद जब मेल पार्टनर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और इजेकुलेशन के ऊपर उनका कंट्रोल और बढ़ेगा तब फाइनली इंटरकोर्स स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ पे भी सेम तरीका यूज करना है। इंटरकोर्स स्टार्ट करने के बाद जब भी मेल पार्टनर को लगेगा कि उनका इजेकुलेशन होने ही वाला है तब इंटरकोर्स करना बंद कर देना है और फीमेल पार्टनर अपने हाथों से मेल पार्टनर के पेनिस को स्क्वीज करेगी उसी जगह पे उसी तरीके से 5 से 10 सेकंड के अंदर। जब मेल पार्टनर को लगेगा कि उनका इजेकुलेशन अब नहीं होगा तब उसको छोड़ देना है और फिर से इंटरकोर्स करना स्टार्ट करना है। ये 5 से 10 बार करने के बाद फिर इजेकुलेशन कर देना है। अब इस टेक्निक से ही सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमेशा इस चीज को एज्यूम करना गलत होगा कि हर वक्त फीमेल पार्टनर उतना ज्यादा ही कोऑपरेटिव होगी। तो अभी ऑब्वियस एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेल पार्टनर खुद इस चीज को प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है। मैस्टरबेशन करके मेल पार्टनर खुद इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली फीमेल पार्टनर अगर इन्वॉल्व होगी तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा। कंपैरेटिवली यंग पेशेंट्स में कुछ डॉक्टर्स एक दूसरा सलाह देते हैं, वो ये है कि एक बार प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होने के बाद एक दूसरी बार इंटरकोर्स करने का अटेम्प्ट लेना। अब देखा जाता है यूजुअली सेकेंड अटेम्प्ट में इजेकुलेटरी कंट्रोल और अच्छा होता है और इजेकुलेशन का ड्यूरेशन भी बढ़ता है। या तो फिर एक और चीज कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इंटरकोर्स से 1 या 2 घंटे पहले एक बार मैस्टरबेट कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, इंटरकोर्स के दौरान उसका ड्यूरेशन बढ़ता है, इजेकुलेशन में कंट्रोल बढ़ता है और प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का समस्या इससे ठीक हो सकता है। लेकिन ये सलाह सिर्फ यंग पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में एक बार इजेकुलेशन के बाद दूसरी बार इजेक्शन को अचीव करना ही बहुत मुश्किल होता है, जो कि बढ़ते उम्र के साथ बहुत ही कॉमनली होता है, तो उनमें इन टेक्निक्स को नहीं अप्लाई किया जा सकता। कुछ डॉक्टर्स पेशेंट्स को कॉन्डोम यूज करने के भी सलाह देते हैं, क्योंकि कॉन्डोम यूज करने से क्या होता है, पेनिस के जो स्किन होता है उसके ऊपर का सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स का ड्यूरेशन बढ़ सकता है। अब देखिए, इस बीमारी का कोई भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव या FDA अप्रूव्ड कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। कुछ डॉक्टर्स कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली लोकल एनास्थेटिक जेल्स या क्रीम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पेनिस के ऊपर का जो स्किन होता है उसको सुन कर देते हैं, जिससे इजेकुलेशन लेट होता है, लेकिन इससे मेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन क्रीम्स को छोड़ के कुछ खाने का दवाइयों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में यहाँ डिटेल्स में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।